साउथ माफिया के यूट्यूब वगैरह, जैसे कि आप देख पा रहे हो माफिया इस टाइम मम्मी के साथ पूजा करने बैठा हुआ है। इस टाइम तो पूरी फैमिली हमारी पूजा करने बैठी थी और मैं उठ गया, मैं माफिया का रिकॉर्डिंग करने लग गया। और इस टाइम देखो माफिया को देख पा रहा हूँ, माफिया को पता है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। और उसका मैं सच खोलूँ ना, सच बताऊँ उसका आपको, माफिया का ये बैठा क्यों है, असली कारण क्या है, आपने आप पूजा करो, आप नहीं करो, माफिया से बात कर रहा हूँ। हाँ असली कारण मतलब क्या है इसका, गाइस ये प्रसाद के लिए बैठा है खास करके, इसे पता है जैसे पूजा कंप्लीट होगी उसके बाद मुझे प्रसाद मिलेगा। और प्रसाद उठा के बंदा चलता बनेगा, मतलब कि प्रसाद उठाएगा उठाएगा और उसे एक शांत एकदम शांत जगह ले जाएगा और वहां पर आराम से खाएगा। अभी तो थोड़ा सा गर्म है, नीचे रख दो मम्मी, नीचे रख दो, नीचे रख दो, गर्म है हल्का सा, नहीं मानेगा नहीं है। आप थोड़ी देर कम से आधे घंटे से बैठा हुआ ऐसी है। और ये डेली का ही है इसका, रोज का सिर्फ प्रसाद खाना है। और बहुत ही मामूली सा टूक देते हैं इसे हम प्रसाद का, अब उसे उठाएगा अब चले जाएगा यहाँ से आराम से, अब कोई मतलब नहीं है इसे, ये सब चले गए अब आराम से ले जाएगा ये। और गाइस जैसे कि बात कर रहा था एंजल की, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था उसका क्या नाम रखूँ, तो सबसे ज़्यादा उसके एंजल के आए थे, मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा और परंतु नाम अच्छा है इसका एंजल। तो गाइज मैं बात करता एंजल की, तो एंजल को उसका ऑनर मिल चुका, काफ़ी बढ़िया ऑनर है। और प्लीज़ यार आप निराश मत होना अगर आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि आप जैसे जानते होंगे पिछली वीडियो मैंने आपसे क्या बताया था कि उसकी काफ़ी ज़्यादा वीक था वो पप्पी, मतलब कि एंजल, और वो थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी, तो वो लॉन्ग मतलब कि ज़्यादा लंबी दूरी की ट्रैवलिंग नहीं कर पाएगी, तो मुझे अलग ही दिख रहा था। वो समर का सीज़न भी था, तो मैंने से यार कोशिश हो सके जितनी भी मैंने ट्राई करा कि पास में कहीं कोई मिल जाए इसका ओनर, और आखिरकार वो मुझे ओनर मिल गया। मेरे घर से उनका घर कम से कम 30-35 किलोमीटर की दूरी पे ही है और वो खुद आए थे घर पर पप्पी को पिकअप करने। और उनकी यार बिलीव नहीं करो, उनकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैं यार वो अगर मैं उनसे मिलता ना उनकी फैमिली से, तो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाता, वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे उस टाइम पर। और गाइज मैं यार दूर तक यूँ नहीं पहुँचा पाया, कुछ लोग ऐसे भी थे जो अच्छी केयर कर सकते थे पप्पी की, परंतु उन्हें यूँ नहीं दे पाया क्योंकि पप्पी काफ़ी वीक था। और यार जैसे कि कुछ ऐसे कि स्टेट हो गए, जैसे कि मुंबई हो गया और हिमाचल हो गया, जैसे कि गुजरात हो गया, काफ़ी सारे स्टेट थे जहाँ से लोग पप्पी को लेना चाहते थे, परंतु यार मैं उसकी कारण की वजह से दूर तक नहीं कर पाया। और कुछ यार लॉकडाउन भी चल रहा है, तो कुछ यार ट्रेन वगैरह या फिर कोई व्हीकल्स वगैरह ज़्यादा चल नहीं रही है, मतलब ये लॉकडाउन पूरी तरीके से खुला नहीं है, तो कुछ ये भी कारण था। तो काफ़ी ज़्यादा यार मेहनत करनी पड़ी और बहुत ज़्यादा ढूंढ डांट के आखिरकार एंजल का वो ऑर्डर मुझे मिल ही गया। और गाइस बिलीव नहीं करोगे, मैंने काफ़ी सारे मैसेज, कम से कम 650 मैसेज सिर्फ एक रात में मैंने रीड करे, उनके जवाब भी दिए, उनसे बात भी करी, और सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, बहुत ढूंढ डांट के बाद, बहुत यार उसके बाद ही मुझे उन्होंने मिला। तो गाइस ऊपर गर्मी हो रही है, माफिया को नीचे ले आता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ऊपर, ऐसे प्रॉब्लम होगी। चल चल, हाँ चलो नीचे चलो। नीचे नहीं आना, ऊपर रहना आज है भाई, गर्मी हो रही है ऊपर, चल नीचे चल, तू पहले चल, पहले मैं चलूँ भाई, बात तेरी आना नहीं है नीचे, हाँ चलो, हाँ चलो नीचे चलो चलो हटो। गाय जैसे आप देख पा रहे हो माफिया इस टाइम बेड के अंदर घुसा बैठा हुआ है और इसे गर्मी लग रही है। अभी एसी कमरे में था, जैसे कि एसी बंद करा तुरंत बाहर वाले कमरे में आ गया और यहाँ आके लेट गया, और इस तरह से लग रहा है कि मैं यहाँ पे अंदर लेटने के बाद से ठंडा लग रहा है। और भाई तुम्हें ठंडा लग रहा है नीचे बैठ के, मुझे लग रहा है आपको ठंडा लग रहा होगा, आप तो खाम खा के मेहनत कर रहे हो, अभी वहाँ पे थे ना अब यहाँ आ गए आप हैं, यहाँ पे आप रिलैक्स फील कर रहे हो एकदम, है भाई माफिया। तो आप खुद सोच सकते हो गाइस, जैसे कि इसकी जो पप्पी माफिया का जब यह हाल है समर सीजन में, तो उसकी पप्पी का क्या हाल होगा। तो कुछ ये भी कारण था, कुछ ये भी कारण था गाइस उसका दूर तक ना भेजने का, कि लॉकडाउन में चल रहा है और पूरी तरीके से भारत अभी खुला भी नहीं है, तो कुछ ट्रेन वगैरह कुछ व्हीकल्स अभी तक चले नहीं है अच्छी तरीके से। और जैसे कि माफिया इस टाइम ये सबसे बेस्ट पोज है माफिया का बैठने का, सबसे बेस्ट, यहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील करता है माफिया, टांग फुल को सीधी कर लेगा अपनी और सीधा फुल को हाथ कर लेगा और आराम से छिपकली का एकदम वो कर लेगा, छिपकली की तरह बैठेगा एकदम और आराम से एकदम और रिलैक्स फील कर रहा है यहाँ पे। तो इसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं दोबारा से ले जाऊँगा उसे कमरे में और वहीं बैठा दूंगा। और भाई माफिया चले अंदर, थोड़ी देर रुक जाओ भाई, कम से एक दो घंटे रुक जाओ, आराम चलेंगे बाद में चलेंगे अंदर, अभी तुम यहाँ पर आराम से बैठो रिलैक्स फील करो, ठीक है ठीक है। अब क्या सुनना भाई।
A few moments later. माफिया क्या कर रहे हो नीचे यार? ये देखो पतंग के संग क्या कर रहा है, बस कर क्या रहे हो पतंग के संग? सो गाइस मैं आपको बता दूं, जैसे मुझे वो काइट बिल्कुल भी उड़ानी नहीं आती है, सारी पतंग फाड़ देता छत पे, जितनी पतंग आती है ना सारी के सारी फाड़ देता यार, एक भी नहीं छोड़ता। देखो ये आई है अब इसके चक्कर में, ये फाड़ने के चक्कर में, तो मैं ऊपर ले आता हूँ इस पतंग को। चलो भाई माफिया ऊपर खेलेंगे पतंग के संग। ये बिल्कुल फायदा उठाता, मुझे उड़ानी नहीं आती ना तो बिल्कुल फायदा उठाता है ये। मतलब कि तू तो उड़ाएगा नहीं, इससे बड़े मैं उड़ा, मैं मतलब मैं ही फाड़ दूँ पतंग को या मैं उड़ा लूँ। आ जा भाई चलो ऊपर आओ, खुर्चेगा और फिर उसके बाद दांतों से मत समझ जाओ आप, और पूरी लार से तो बिल्कुल पतंग गीली कर देगा, पूरी लार से अपनी पतंग को पहले। इसी तरह से खेलता है, हाँ आराम तुम खेल लो आराम से पतंग को। और गाइस माफे को लेके चलते हैं वॉक पर, और इस टाइम माफे को नाइट वॉक पर जाता हूँ, और 6 बज रहे हैं इस टाइम, तो 8 बजे माफे को मैं वॉक पर ले जाऊँगा। तो गाइस चलते हैं फिर। भाई तुम जगह जगह क्या करते हो यार, तुम्हें गंदगी फैलाते रहते हो यार, सच बात है बैन चल रहा, तुम जब चैन नहीं है भाई, जगह जगह मार कर रहे हो अपने एरिया को। चलो सीधा चलो यार। और देखो यार ये स्ट्री डॉग यार, ये मुझे लगता कभी कभी कहते होंगे ओ मोटू कहाँ चल दिया आज हमारे मालिक के साथ में। कभी कभी लगता है मुझे इन्होंने भी कोई ना कोई माफिया का नाम रखा होगा अपने मन में, जिनको सीधा निकल लियो पीछे मुड़ के मत देख लियो। सो गाइस माफिया आ चुका है वॉक पर। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और गाइज अगर आप चाहते हो माफे की डेली वीडियो देखना तो मुझे बताना कमेंट में, आप चाहते हो डेली ब्लॉगिंग माफे की तो मैं पूरी कोशिश करूँगा डेली ब्लॉगिंग की, मुझे कमेंट में ये चीज़ जरूर बताना गाइज, और थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।